बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की ज़बरदस्त फजीलत, हर तस्बीह के बदले जन्नत में दरख्त। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो एक दिन दरख्त लगा रहे थे कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे और फरमाया, अबू हुरैरा तुम क्या लगा रहे हो? इस पर अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं दरख्त लगा रहा हूँ। इस पर आप सरकार ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर दरख्त ना बताऊँ? अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल। आप सरकार ने अबू हुरैरा से फरमाया कि तुम सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहा करो तो हर एक कलमे के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। इसी वजीफे की फजीलत एक और हदीस मुबारक में यूं आई है। अबुल दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलल्लाह ने मुझसे फरमाया, तुम सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये कलमे गुनाहों को ऐसे झाड़ देते हैं जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। नाज़रीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब एक आम से हरे भरे दुनियावी दरख्त को देखने से या उसके नीचे बैठने से इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है और वो अपनी परेशानियों को भूलकर सिर्फ उस सुकून की कैफियत में खुद को मगन कर लेता है, इसी तरह जिस शख्स के लिए हर तस्बीह के बदले जन्नत में दरख्त लगते जाते हैं तो उसके सबका गुनाह ख़त्म होते जाते हैं और उसमें ऐसी रूहानी कशिश पैदा होने लगती है कि हर शख्स उसके कुर्ब में रहना पसंद करता है। वो शख्स आम लोगों में बहुत बाइज्जत होता जाता है। जिन अफराद के दिलों में उस शख्स के लिए नफ़रत हो तो वो मोहब्बत में बदलने लगती है। अल्लाह की रहमत से वो शख्स भी हरे भरे दरख्त की तरह हो जाता है कि जिसे देखने से दुखी और परेशान दिलों को चैन मिलता है। इस तस्बीह की बरकत से हर कोई उससे मोहब्बत करने लगता है और वो खुदा की नज़र में भी मकबूल हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल को बुलाता है और फरमाता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ फलां बंदे से, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं उससे और आसमान में मुनादी करते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है फलां से, तुम भी मोहब्बत करो उससे। फिर आसमान वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, बाद उसके ज़मीन वालों के दिलों में वो मकबूल हो जाता है। अलगर्ज जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करे उससे दुनिया वाले भी मोहब्बत करते हैं और जिसे खुदा की मोहब्बत नसीब हो तो उसकी तमाम दुनियावी मुश्किलात खुद ब खुद हल होती चली जाती हैं। खुदा की मोहब्बत हासिल करके तमाम दुनियावी परेशानियों से निजात के लिए इस तस्बीह का वजीफ़ा आपने इस तरह करना है कि रोज़ाना बादस नमाज मगरिब बावजू होकर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का विर्द 807 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक के हमरा करें। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से हर किस्म के सख्त से सख्त जादू का तोड़, बंदिश, जिन्नात, नजरे बद, दुश्मनी, हसद, बेरोज़गारी, बे औलादी, शादी में रुकावट, मियाँ बीवी में अनबन जैसे मसाइल फौरी हल होते हैं और ज़िंदगी में दरपेश तमाम गम मसाइब और परेशानियाँ रहमत में तब्दील हो जाती हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने से कोई शख्स इस तस्बीह का पाबंद हो जाए और यही अमल आपकी और हमारी आखिरत में निजात का बायस बने, आमीन। मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।